सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के रहम करम से हम सब भी खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबकी हिफ्ज़ो अमान फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला आप सबके सरों पर आपके बड़ों का साया, आपके छोटों पर आपका साया यूँ ही बना रहे, आमीन सुम्मा आमीन। जी व्यूअर्स, और क्या हो रहा है हमारे यहाँ? हो रही है वही एज़ यूजुअल कुकिंग जो सबके घर में ही होती है। और मैं बना रही हूँ आज तुरई मसाले वाली, और मसाला भून के मैं तुरइयाँ बनाती हूँ और बहुत औसम बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। तो बस मैंने अपनी बनाई है तुरही, और मरियम कर रही हैं देखें अपना सेटअप आटे वाटे का। और बस तो बस ये है कि फिर मिलते रहते हैं वक्तन फवक्तन, ठीक है। व्यूअर्स माशाल्लाह तैयार हो के हमारा सालन कुछ इस तरीके का हुआ है। और आज मैं देखें साथ में लेके बैठी हूँ कढ़ाई अपनी, ताकि गरम गरम तुरई आलू खाएंगे। देखें कितना डिफरेंट लग रहा है। मूड हुआ था घर में खाना वाना खाकर निकल कर, मैंने कहा चलो गन्ने का रस पीते हैं चल के। तो मैं आ गई सीधी और 14 नंबर, और यहाँ पर आकर हमने लिया गन्ने का रस। और देखे मैंने पी लिया गन्ने का रस, और यहाँ से मैंने ले लिया पार्सल मरियम के लिए और उनके बाबा के लिए। लेके आ गई, गलो गन्ने का रस, नन्ने का रस। मरियम साहब खुश हो गई गन्ने का रस, और मरियम हो गए खुश देखकर। मरियम यह हो रहा है, बिल्कुल पी लो। क्या हुआ जी व्यूअर्स? तो बस आज कोई खास नहीं बना, आज छोटा सा ही व्लॉग बना। और बस मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो बना के अपलोड करना चाहिए ना, अगर नहीं करती तो फिर अच्छा नहीं लगता, खाली खाली सा दिल लगता है। तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो अपनी एक्टिविटीज जो भी है वो हमें डालनी चाहिए। तो बस ये है कि आप लोगों को मेरा ये भी वीडियो अच्छा लगा हो, सिंपल सा भी, तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको ये बोला कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मेरे चैनल पर मुझे नए देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बस मुझे आगे से आगे लेकर जाइए, इसमें मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और आप लोग भी मोहब्बतें मिलती रहेंगी। कोशिश करूँगी इसे आगे से आगे बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊँ, अपनी टीम को लेके बहुत अच्छे अच्छे से काम करूँ, आगे लेके चलूँ। फिर एक मरतबा फिर मेरी और मेरी टीम को आप हम सबको एक बार फिर साथ देखें, और इंशाल्लाह एक आध दिन में आप देखेंगे हमारी टीम को सबको साथ, ठीक है। तो फिर वो सरप्राइज होगा किसी के लिए, और हमारी टीम दे रही होगी, ठीक है। चले जी फिर मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं अच्छे दिन के साथ, प्यारे दिन के साथ, प्यारी प्यारी बातों के साथ, ढेर सारी बातों के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।